कोरोना वायरस ने जहां देश और दुनिया के बड़े बड़े उद्योग उनको चौपट कर दिया है, वहीं दिहाड़ी मजदूरों की कमर तोड़ रखी है। इसका सबसे ज्यादा असर महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार योजना यानी मनरेगा पर देखने को मिल रहा है। मनरेगा के तहत मिलने वाले रोजगार पर बुरी तरह से असर पड़ा है। देश के कम से कम 7 राज्यों में मनरेगा योजना को आधिकारिक तौर पर बंद कर दिया गया है, जबकि दूसरी जगहों पर ये प्रभावी रूप से निष्क्रिय सी है। यानी इन राज्यों में मनरेगा योजना के तहत होने वाले काम पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। ऐसे में मजदूर संगठन मजदूरों को राहत देने के लिए बकाया भुगतान जल्द किए जाने और अगले वित्त वर्ष में योजना के विस्तार करने और मनरेगा के तहत रोजगार के दिन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। सिविल सोसाइटी समूहों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों को बकायदा चिट्ठी लिखकर मजदूरों को राहत पैकेज देने की मांग की है। समूहों ने ऐसे गरीब परिवारों को अप्रैल और मई में हर महीने 7,000 रुपए दिए जाने की मांग की है। इससे सरकारी खजाने पर लगभग 4,50,000 करोड़ रुपए का खर्च आने का अनुमान है। कर्नाटक में 2 दिन पहले मनरेगा योजना को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। ऐसे में मजदूर संगठन उन मजदूरों को भत्ता दिए जाने की मांग कर रहे हैं जिन्होंने योजना के तहत पहले ही काम के लिए आवेदन कर दिया है। वहीं राजस्थान सरकार ने कर्फ्यू वाले जिलों में उन मजदूरों को बेरोजगारी भत्ता देने का फैसला किया है जिन्होंने काम के लिए रजिस्ट्रेशन करा रखा है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से 22 से 31 मार्च तक के लॉकडाउन के दौरान मनरेगा के तहत मिलने वाली मजदूरी भत्ते को मजदूरों के खाते में डाले जाने की मांग की है। इस बीच अनौपचारिक क्षेत्र के मजदूरों का प्रतिनिधित्व करने वाले गैर सरकारी संगठनों के एक समूह ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को चिट्ठी लिखकर 50,000 करोड़ रुपए का श्रमिक कल्याण कोष बनाने की मांग की है। साथ ही खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सभी बीपीएल और एनपीएल राशन कार्ड वाले परिवारों को 1 महीने का मुफ्त राशन देने और 10,000 रुपए नकद दिए जाने की मांग सामने रखी है। और इस पर और ज्यादा बातचीत करते हैं, हमारे साथ मनरेगा के कार्यकर्ता निखिल डे जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। उनसे समझते हैं कि मनरेगा जो अब ये 7 राज्यों में बंद करने की बात सामने आई है और बाकी राज्यों में एक तरह से ये निष्क्रिय रहेगा, ऐसे में जो दिहाड़ी मजदूर हैं और गांव में जो लेबर है उसके सामने किस तरह का भविष्य। तो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं निखिल डे, जो कि मनरेगा के लिए काफ़ी सालों से काम करते आ रहे हैं, इन मजदूरों के हक को, उनकी आवाज़ को बुलंद करते आए हैं। निखिल जी, ये बताइए कि जो स्थिति अब सामने आई है मनरेगा को 7 राज्यों में आधिकारिक तौर पर और बाकी राज्यों में एक तरह से प्रभावी तौर पर उस पर रोक लगा दी है, ऐसे में जो मजदूर हैं अब उनके सामने किस तरह का भविष्य? नरेगा पर रोक तो लगा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि मजदूरों का भविष्य तो जो सारे कारखाने बंद हो गए, दुकानें बंद हो गए, लॉकडाउन हो गया, आर्थिक मंदी के ऊपर ये आया है, तो वो मजदूर अपने अपने गांव लौट रहे हैं और उनको रोजाना जीने का सवाल है उनके सामने। गांव के लोगों के पास भी रोजगार नहीं है, तो ये लॉकडाउन से पहले ही राज्य सरकारें नरेगा को बंद करने लग गई, मनरेगा को बंद करने लग गई, क्योंकि उनको लग रहा था कि इकट्ठे होंगे लोग। तो अब आवश्यकता है 2 चीजों की जी। एक है कि लोगों को उनकी मजदूरी तो देनी ही पड़ेगी, लॉकडाउन उनकी कोई गलती नहीं है और वो काम चाहते हैं और मांग रहे थे, तो इसीलिए काफी लोगों ने मिलके एक चिट्ठी भी लिखी है, काफी प्रबुद्ध लोगों ने अलग अलग राज्यों से, कि मनरेगा को चालू रखना चाहिए और समस्त जो एक्टिव जॉब कार्ड लोग हैं उन सबको देना चाहिए पूरी मजदूरी, और वो अपने घर में ही, या तो आप मजदूरी उनको दें या जब तक लॉकडाउन है, और वरना कुछ घर का काम ढूंढा जा सकता है। तो आगे के समय में भी तुरंत तो उनको घर में उनको पैसे देने की आवश्यकता है, क्योंकि आज की तारीख में लोगों के पास पैसा नहीं आए और अनाज नहीं आए और खाने को दाल और बिल्कुल आवश्यकताओं की चीजें नहीं आए, तो उनका जीने का सवाल उठ जाता है जी।
और आगे के दिनों में भी शायद मनरेगा में लोग इकट्ठे नहीं हो पाएंगे काम करने के लिए, तो उनके ही व्यक्तिगत कामों को जगह देते हुए 3-4 चीजों को हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये भयंकर किस्म की एक इमरजेंसी है, भयंकर किस्म की एक बहुत बड़ी चुनौती है। जी निखिल जी, ये बताइए कि इस वक्त जब शहरों से भी लोग अब वापस गांव का उन्होंने रुख किया है, तो ऐसे समय में इन इस योजना पर बंदी आप कितना सही मानते हैं? क्योंकि अब जो लोग अनुचित है, बंदी असंभव है, बंदी अनुचित केवल नहीं है, बंदी तो हो ही नहीं सकता है, तो इसीलिए बंद खोलना तो पड़ेगा, लेकिन इसकी परिस्थिति बदलते हुए यदि आप काम नहीं दे सकते हैं तो लोगों को पैसा दें, उनकी मजदूरी दें जब तक लॉकडाउन है, लॉकडाउन हट जाए तो काम के प्रकार बदलें ताकि लोग इकट्ठे काम नहीं करें और अकेले अकेले काम कर सके, झुंडों में और ग्रुप्स में काम नहीं करें। तीसरा है कि वो कहते हैं कि घर में से को 100 दिन देंगे वो हटाना चाहिए, और जितने दिन लोग काम करेंगे उतना देना चाहिए, कहते हैं एक घर में से एक व्यक्ति को 100 दिन देंगे तो वो नहीं करना चाहिए, चाहे घर में 3 हो या 4 हो, क्योंकि जो बाहर कमाते थे वो वापस आ गए घर। तो नरेगा एक माध्यम है जो लोगों की जान बचा सकता है, पहले भी जब आर्थिक मंदी आई है या कोई ना कोई आपदा आई है तो नरेगा ने बचाया है जी। मगर आपको ऐसा लगता है कि सरकार को ये एक स्पष्ट तरीके से मनरेगा की ताकत का जो अनुमान है वो नहीं मिल पा रहा है, अभी भी उसको नजरअंदाज किया जा रहा है? इसीलिए कर किया जा रहा है क्योंकि हम देख रहे हैं कि अभी तक फाइनेंस मिनिस्टर ने आज तक जो पैकेज अनाउंस करना था गरीबों के लिए और जो बेरोजगार हो रहे हैं उनके लिए और जो दैनिक मजदूर हैं उनके लिए, उन्होंने कुछ भी नहीं अनाउंस किया। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें कुछ कहा कि केवल एक एडवाइजरी भेजा है राज्य सरकारों को कि आप BOCW से कुछ पैसा ले लो, तो बिल्कुल उनकी पैसे नहीं देना चाह रहे हैं क्योंकि पैसों की व्यवस्था नहीं करना चाह रहे हैं, तो इसलिए मनरेगा को भी बंद रख रहे हैं और मनरेगा के अंदर कुछ जो आना चाहिए, अब नया बजट भी आ गया है, पास भी हो गया है, तो पिछले साल के भी बकाया पैसे क्लियर करने चाहिए क्योंकि वो लोग परेशान है, और मनरेगा के सारे सीमाएं खोल देनी चाहिए और वो करना ही पड़ेगा इस सरकार को, वरना लोग भूखे मरेंगे और लोग सड़कों पे, आप तो लॉकडाउन करो, वो जब व्यक्ति भूखा रहता है या परिवार भूखा रहता है तो वो किसी भी सीमा तक जाएगा जी। अपना अपने परिवार को बचाने के लिए, और वो भी एक स्वास्थ्य का इमरजेंसी अलग तरीके का निकल के आएगा, तो ये बहुत गंभीर परिस्थिति है। और मनरेगा एक कार्यक्रम है जो इस पूरी चीज से कुछ लोगों को कुछ राहत देके उनको आगे के दिनों तक बचाने का कोई काम कर सकता है, और फिर यदि ढंग से सरकार इसकी ताकत समझे जो आप बात कह रहे थे जी, तो फिर कई चीजें घर में ही किए जा सकते हैं, जैसे मास्क, जैसे लोग अपने अपने घरों में अपने घर को ठीक कर सकते हैं, अपने खेतों को ठीक कर सकते हैं, मास्क बनाने जैसा काम भी शायद कर सकते हैं, ये अपने गांव में जो स्वास्थ्य की सुरक्षा है उसकी व्यवस्थाएं कर सकते हैं, जिसमें ताकि वो, और उसमें सरकार जो पुरानी नप्पी के तरीके हैं इसको एक इमरजेंसी मान के, एक आपदा मान के, उस आपदा में नई परिस्थितियों को देखते हुए लोगों को रोजगार भी देना चाहिए, और वो रोजगार ऐसा होना चाहिए जो इन परिस्थितियों में पूरे समाज के काम आए और खतरा नहीं डाले, उस काम आए और उस खतरे को टाले, खतरे से संघर्ष करने के लिए दोनों तरीके से रास्ता मिले, काम के माध्यम से भी और पैसों के माध्यम से जी। बहुत तो बहुत पैसा डालना पड़ेगा, और अन्य देश 10-10% अपना GDP का डाल रहे हैं और हमने तो आज तक कुछ भी नहीं किया जी। और हम केवल लोगों को कह रहे हैं घर में रहो, तो भूखे के कैसे रहेंगे लोग घर में जी। बहुत बहुत शुक्रिया निखिल जी इस जानकारी के लिए, इस इनसाइट को।